ये मेरे फाजिल दोस्त हैं मोइन साहब, जल्दी सवाल पूछ, दोस्त भी हैं मोइन साहब से ही सवाल है। इन्होंने एक बार ये खड़े होकर कहा था कि आजम खां के ऐसे चार्ट मारो जैसे कर्मा फिल्म में दिलीप कुमार ने अनुपम खेर के मारा था। ऐसा किया था क्या? किया था आपने? मैं जवाब दे रहा हूँ। इन भाई से ये पूछिए, अंजना ओम कश्यप साहिबा, अंजना जी एक मिनट, इनसे ये पूछिए कौन सी शराब से शराब पी कर आए हैं। बोला था क्या आपने? कौन सी हट्टी से ये शराब पी कर आए? नहीं बोला है। अरे शराब पीने के लिए पैसे मांगना होते तो लोगों से मांग लेते, आपको शर्म नहीं आती? ठीक है, आपको शर्म नहीं आती? तूने शबे फिराक से घबरा उन्होंने कहा था कि ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो के मामले में बोलेगा, मैं उसके ऊपर अवमानना का केस करूंगा। मैं वो अवमानना का केस झेलने के लिए तैयार हूँ एक एडवोकेट होने के नाते। क्या किसी भी केस में, एक मिनट, क्या किसी भी केस में किसी भी अदालत द्वारा आजम खान को दोषी ठहरा दिया गया है? अरे वाह वकील साहब वाह, एक मिनट, वाह वाह वकील साहब, आइए, एक मिनट। लोग भाजपा का पट्टा डालकर आ गए हैं। इन वकील साहब की बात का जवाब देता हूं। क्या हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी को नहीं छीना? मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी को नहीं छीना? ये क्या ये सजा नहीं है? अब्दुल्ला आजम की विधायकी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इसने किया नहीं किया, नहीं किया, उस पर इलेक्शन हुआ नहीं किया, उस पर इलेक्शन हुआ नहीं किया, गलत विधायकी रद्द हुई है जनाब। ये जवाब सुनिए, देखिए एक वाजिब सवाल, सुनिए अगर ये साबित कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है तो रामपुर छोड़ दूंगा, वरना आप रामपुर छोड़ देना। दो साल से उस सीट पर इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल गलत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रामपुर में जोहा यूनिवर्सिटी बनवाई गई और आजम खान ने कहा था कि यहाँ रिक्शे वाले के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उसकी फीस 2 लाख रुपए। मैं पूछना चाहती हूँ आजम खान से, कितने रिक्शे वाले के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? जवाब दीजिए। हाँ सवाल मुझसे है अंजना जी। जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं वो दबाव में लगाए गए हैं और ये कहकर के लगाए गए हैं अगर आप उन पर मुकदमे नहीं लगाएंगे तो हम आपके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। तो इस तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं, आप देखिए अभी योगी सरकार जो है बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, अभी हम हमारे लोगों पे मुकदमे लगाने की बात कर रही है। इंसाफ कहाँ मिलेगा योगी सरकार में बताइए? 14 फरवरी को खत्म हो जाएगा। बहुत ही शालीनता का सबूत देते हुए इन सब अपने एक बात पूछना चाहती हूँ, अपने इनके पास उम्मीदवारों का पक्ष पूरी रामपुर में जो इनके लिए खड़ी हो सकती है। हमारा पूरा महिला मोर्चा है, हमारे संग कितनी, हमारी पहली पंक्ति में सिर्फ महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके पास सिर्फ एक है। इनसे सवाल पूछिए। एक पूछ रहे इधर महिलाएं कम क्यों है? एक अंजना जी एक का जवाब मैं देता हूँ। एक का जवाब हाँ लीजिए भी तो जवाब। 1,25,000 से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद धाम कहूं। हम तो वो लोग हैं बोले सोनेहाल। महिलाएं आज भी वो पूछ रहे हैं, इधर महिलाएं नहीं है, वो कह रही आप अकेली हैं। रात को 2-2 बजे तक महिलाएं कैंपेनिंग कर रही हैं, आजम खान साहब का चुनाव लड़ा रही हैं। वो 10 बार ऐसे ही जीतने वाले नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम ग्राउंड में हैं। एक सवाल। अंजनी 2017 में सरकार आई थी कि चीनी मिल, हम पुरानी जो भी सरकारी चीनी मिल है वो चालू करेंगे, रामपुर की चीनी मिल को क्या हुआ? मैं सक्सेना जी से सवाल करता हूँ। अंजना जी जरा मुद्दे पे आ जाइए। देखिए आज पूरे रामपुर में राम रावण का युद्ध जो चलता है उसमें जीत केवल राम की होती है, रावण की नहीं होती है। इसलिए हमारा आकाश भाई रामपुर से जीत रहे हैं और 100% जीतेंगे रामपुर से। एमएसपी के लिए क्या प्रावधान मैम? क्या क्वेश्चन होगा किसानों का? क्या होगा न धान की खरीद का क्या होगा, गन्ने का मूल्यांकन का क्या होगा? हम कौन से लोग इधर और कोई नहीं है जो सवाल पूछेंगे? मैम आजम खान ने जो भी विकास करा सिर्फ अपना घर का करा। रामपुर में जो विकास हुआ है वो सिर्फ रिक्शा बांटी है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ कुछ भी नहीं करा है। बीड़ी बांटी बच्चा पढ़ रहा है, बताइए आप
5 लाख रुपए का जो बीमा कराए, लोगों का इलाज मोदी जी करा रहे हैं, लोगों को 2.5 लाख के घर मोदी जी ने दिए, आजम खान ने नहीं दिए। 18,000 घर रामपुर में बने, 14,000 मुसलमानों के बने, हिंदू के 4,000 बने खाली, कब मुसलमानों के लिए कराए? आजम खान ने खाली यूनिवर्सिटी बनाई। मैम बीजेपी के कैंडिडेट से हमारा सवाल ये है, ये बिगाड़ने की बात बनाने की बात कब होगी? छात्र हित की बात कब होगी? छात्रों को नौकरी कब मिलोगी? छात्रों की तरक्की कैसे हो, इस पे कब बीजेपी बात करेगी? मैम